इस सब के बीच में अगर चीन चोरी छिपे चालबाजी कर रहा है तो उसे काउंटर करने की तैयारी पूरी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी जिनपिंग के जंगी मंसूबों को कुचलने के लिए पूरी तरह एक्टिव हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। एक तरफ चीन के अंदर गदर मचा है, दूसरी तरफ चीन लगातार ताइवान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। जिनपिंग की हर हरकत पर पूरी दुनिया की नजर है, लिहाजा अमेरिका इस इलाके में सहयोगियों के साथ मिलकर चीन की चौतरफा घेराबंदी में जुटा हुआ है। भारत से लेकर जापान और ब्रिटेन तक में इसके संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत और अमेरिका की सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं रशियन मेड MI-17V5 हेलीकॉप्टर के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। कॉम्बैट ग्रुप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप 10,000 फीट की ऊंचाई पर ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं। इंडो यूएस ड्रिल से चीन चढ़ा हुआ है क्योंकि ये उसकी चुनौती का जवाब माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया से लगातार मिसाइल टेस्ट और रूस नॉर्थ कोरिया चीन के बीच बन रहे नए अलायंस ने जापान की भी टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि जापानी पीएम किशिदा ने रक्षा बजट को जीडीपी के 2% तक बढ़ाने का आदेश दिया है। जापान ने यह कदम यूक्रेन और ताइवान के हालात को देखते हुए उठाया है। इसके अलावा कनाडा ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत को अहम पार्टनर और चीन को विघटनकारी वैश्विक शक्ति करार दिया है। यानी साफ है कि कनाडा भी चीन को अपने दुश्मन की तरह देखता है। उधर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी पहले बड़े भाषण में बोलते हुए कहा कि यूके चीन के रिश्तों का तथाकथित सुनहरा युग खत्म हो चुका है। इस विचार के साथ आगे बढ़ना है कि व्यापार खुद सामाजिक और राजनीतिक सुधार की तरफ ले जाएगा। साफ है कि चीन को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन हाई है क्योंकि जिनपिंग अपनी साख बचाने के लिए कभी भी वॉर फ्रंट खोल सकते हैं और पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकते हैं।